नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BES 125 शास्त्रों एवं विषयों की समझ BE प्रथम वर्ष का 2021 सत्र का आपका प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा मैं आपके समक्ष बतलाऊंगा BE इग्नू के बुक से। पहला प्रश्न है, ज्ञानार्जन के विविध स्रोतों एवं तरीकों की उचित उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं, ज्ञानार्जन के स्रोतों एवं विधियाँ, पेज नंबर 13 है। और फिर इसके बाद ये पूरा पेज ही आपका उत्तर बनेगा, 14 पेज भी होगा, 15वां पेज भी होगा, 16वां पेज का अंतिम तक इसमें प्रश्न का उत्तर बनेगा। अब इसमें आप अपने हिसाब से कुछ काट छांट सकते हैं। तो ये प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया, अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, उचित उदाहरणों और प्रस्तुतियों के माध्यम से एक शास्त्र के विविध परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए। चलिए उसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका पेज नंबर है BES 125 का 21 नंबर पेज है। और इसका उत्तर आप, शास्त्र क्या संगठित करता है, इसमें से आप कुछ काट छाट करके लगभग इसका उत्तर, एक शास्त्र की संरचना की विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित रूप में है, ये वाला। और ठीक नीचे यहाँ से आप पूरा शास्त्रों के प्रकार जो है, मूलभूत शास्त्र, अनुप्रयुक्त शास्त्र या क्षेत्र, बहुविषय या अंतर विषय क्षेत्र, ये पूरे प्रश्न बनेंगे। यानी कि आपका ये जो पेज नंबर 23 का पेज जो है बहुविषय तथा अंतर विषय क्षेत्र का, ये अंतिम यहाँ तक आपका उसका उत्तर बन जाएगा। और शुरू होगा आपका यहाँ से, आपका 122 नंबर पेज है, 22 नंबर पेज के 22 नंबर पेज से शुरू हो सकता है, या इसके ऊपर से भी कुछ आप शास्त्रों के क्या संगठित करता है यहाँ से लेकर पूरा कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से शुरू हो सकता है। ठीक है, अब इसमें से काट छाट करके आप अपना उत्तर बना लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न में चलते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र के सन प्रत्यय की, इसकी लाभ व सीमाओं के साथ व्याख्या कीजिए। उचित उदाहरणों के माध्यम से बताइए कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र ज्ञान के सृजन में कैसे मदद करता है। चलिए ले चलते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर जो है आपका पेज नंबर, ब्लॉक 2 है 125 का, इकाई खंड 2, और इसका पेज नंबर ये है 21 नंबर। ठीक है, और इसका उत्तर आपका यहाँ से बनेगा, ये प्रिंटिंग के वजह से ऐसा हुआ है, हिंदी की PDF रूप में नहीं आ पा रही है, इसलिए हेडिंग समझ में नहीं आ रहा। तो इसका पूरा उत्तर आपका 4.63 भी होगा, यानी कि 23 नंबर पेज का अंतिम तक होगा। उनको महत्व, ये जो पेज नंबर 24 तक इसका बन चुके हैं, यानी कि इसका उत्तर आपका 22 से शुरू है, यहाँ से आपका 4.6.2 से, और लास्ट है इसका 24 तक। ठीक है, मंजिल बन चुके हैं। अब इसमें से आप अपना देखकर जो सही है उसको हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका 125 नंबर